हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा आर प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें मैं आज आपको आर स्टूडियो का पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा कि किस तरह से कंसोल में काम करना है, किस तरह से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, ये सारा चीज। और एक जो बेसिक आर स्टूडियो के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, वो सारा चीज हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि किस तरह से आर को आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और आर स्टूडियो को भी कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन में आर स्टूडियो में ओपन कर चुका हूं। अगर आपने अगर इंस्टॉल कर लिया है तो नीचे जो है विंडोज के सर्च में जाके आर स्टूडियो आप लिखें, तो आपको यहां पर आर स्टूडियो जैसे ही आप लिखेंगे तो यहां पर आपको आर स्टूडियो लिखा हुआ आएगा, यार लोगो आएगा जिसके अंदर आर लिखा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको एक स्क्रीन खुल जाएगा। तो जब आपके स्क्रीन खुलेंगे तो यहाँ पर दो पार्ट होगा, एक सोर्स होगा और एक आपके कंसोल होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले सोर्स दिख रहा है और नीचे कंसोल दिख रहा है। कंसोल का मतलब यह है कि जैसे अगर आपको वन लाइन ऑफ कमांड डालने हैं तो यहाँ पर आप कंसोल यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक नम वेरिएबल में डेटा स्टोर कर रहा हूं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नम और एरो दे के मैं लिखता हूँ 50, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि अगर यहाँ पर लेस देन और जो है माइनस साइन का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम एज असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जब मैं प्रिंट करूंगा नम को तो यहाँ पर ये आपको प्रिंट करके देगा। तो ये आपने देखा किस तरह से हम कंसोल पे काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सपोज डेट आपको प्रोग्राम लिखना है और उसको रन करना है, मतलब सेट ऑफ कोड्स लिखने और उसको रन करने हैं, तो उसके लिए आप जाएंगे सोर्स पे। तो जैसे आप सोर्स पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा होगा, आप देख रहे हैं पहले से ऑलरेडी। तो चलिए, जैसे ही आप यहाँ पर सोर्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका स्क्रीन आएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा str और इस तरीके से मैंने इस पे कुछ वैल्यूज डाल रखा है, लर्न टेक टू टेक। तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज डाला और यहाँ पर मैं उसे प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैंने str लिख के यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे मैंने str लिखा और यहाँ पर अब मुझे इसे रन करना है। तो रन करने पहली बात तो यहाँ पर आपको सेव बटन है तो यहाँ सेव पे क्लिक कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस फाइल का नाम tt.r दे रखा है, तो आप देख रहे हैं tt.r दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एक्सटेंशन होता है वो r होता है। और यहाँ पर आप सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अगर ये सेव नहीं होगा तो ऊपर स्टार लिखा आएगा, इसका मतलब आपने चेंजेस किए और सेव नहीं किए, तो आप सेव जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद जब जैसे सॉरी यहाँ पर हमें लास्ट में लाना पड़ेगा कर्सर को, और फिर मैं जैसे ही रन करूंगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा रिजल्ट आ चुका है और लर्न टेक टू टेक यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। तो देखा आपने किस तरह से जो है हम सोर्स पे जाके प्रोग्राम लिख सकते हैं और किस तरह से यहाँ पर कंसोल पे भी हम कुछ टाइप कर सकते हैं। जैसे ये कंसोल देखें, इस कंसोल में अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये कंसोल आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप राइट साइड में देखें तो फाइल्स हैं, यहाँ पर कुछ प्लॉट्स आपने कर रखा है तो वो होगा। पैकेजेज के नाम यहाँ पर जो सिस्टम के लाइब्रेरीज है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेंगे। फिर आपको हेल्प वगैरह लेना है तो वो आप ले सकते हैं। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आर स्टूडियो में आपको काम करना है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बैल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।